हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, डिटरमिनेंट्स। तो गाइस, इससे पहले हम चैप्टर में मैट्रिक्स में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके गाइस, आज हम लोग न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, डिटरमिनेंट्स। गाइज देखिए, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिड्यूसेबल सिलेबस को लेकर, ठीक है गाइज। लेकिन एक अपडेट है आपके लिए, 12th और 10th के कुछ कंडीशंस के लिए इन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 को डिवाइड किया है और वो एग्ज़ाम्स इन्होंने बहुत ही जल्दी सेमेस्टर वाइज कंडक्ट करने को कह दिए हैं, ठीक है गाइज। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान रखिए गाइज, अब कोई भी एग्ज़ाम आपको लापरवाही में नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा फिल करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ये अकॉर्डिंग टू CBSE के लिए वेबसाइट पे भी ये डायरेक्ट ओपन होंगे आपके मार्क्स, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहे। 12th और 10th के स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। जरा सी इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेके चलें, क्योंकि आपके डायरेक्ट मार्क्स फिल होने हैं वेबसाइट पर। ओके, चलिए गाइस, चलते हैं टॉपिक को लेकर। डिटरमिनेंट समझते हैं, डिटरमिनेंट एंड इट्स ए प्रॉपर्टीज। पहले डेट का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे आपने मैट्रिक्स में समझा था, मैट्रिक्स में हम ये वाला साइन अप्लाई कर देते, स्क्वायर रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर अरे का यूज करते थे, ठीक है ना। इसी तरह से डेट होता है, डेट पे क्या करते हैं हम लोग, जो डिटरमिनेंट होता है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, aij n/n का होता है, यानी सेम ऑर्डर का होता है, एक यूनिक, यानी इसके अंदर रियल भी वैल्यू हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कैन बी एसोसिएटेड होता है, विच इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये सभी के सभी आपको क्या समझाने चाह रही है, डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि जो डिटरमिनेंट होता है ये सेम ऑर्डर के होते हैं, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स याद कीजिए, आपको मैंने क्या बता रखा, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको कॉल करते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाते हैं, सेम हो जाते हैं। यानी ये n/n का रहेगा मैट्रिक्स, ठीक है, n/n का। तो ये मैट्रिक्स के लिए कहा, इसने डिटर्मिनेंट के लिए कहा, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है और इसमें क्या करते हैं कहा, नहीं वही है सेम एज इट इज, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये डिटरमिनेंट हो गया। ध्यान रखेंगे, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका साइन ये होता है, जैसे मॉडुलस वाला साइन होता है ना, इस तरह से ये डिटरमिनेंट वाला साइन होता है। ध्यान रखना एक चीज, मॉडुलस और डिटरमिनेंट में केवल एक माइनर सा डिफरेंस होता है। मॉडुलस में दो आंसर आते थे, प्लस और माइनस। डिटरमिनेंट में भी एक ही आंसर होगा पर वो विद साइन होगा, एक ही आंसर, यानी जैसे प्लस में आ रहा तो केवल प्लस ही आंसर होगा उसका, माइनस में आ रहा तो केवल उसका माइनस ही आंसर होगा। समझ में आ गई बात, ये नहीं आ गई यहाँ तक? ओके गाइस, तो ध्यान रखेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, मैट्रिक्स हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह से सब कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है ना गाइस। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, केवल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है डिटरमिनेंट? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है गाइस, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इसको लिखने का पैटर्न ये है, n/n ऑर्डर का, तो n/n लिखने का तरीका इस तरह से होता है। यदि हम 3/3 के ऑर्डर में लिखा, तो मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको 3/3 का, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का था। ये n/n का, यानी जिसमें n रो हो और n ही कॉलम हो, ठीक है गाइस। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, नॉट में क्या लिखा हुआ है। कोई मैट्रिक्स ए, उसका डिटरमिनेंट रीड होगा एज ए डेट ऑफ ए, यानी जो ये वाला साइन लगा हुआ है ना मॉडुलस जैसा, इस मॉडुलस जैसे साइन को बोल रहा है कि डेट ऑफ ए रीड करेंगे इसे, नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए। ध्यान रखेंगे, इसे मॉडुलस रीड नहीं करेंगे, क्या रीड करेंगे? डेट ए, ठीक है। और ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक और अंतर होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो मैट्रिक्स होता है उसका आंसर मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, लेकिन डेट का आंसर हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे गाइज, कि यदि हम मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को तुमने जितने भी सॉल्व किए होंगे, तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी
कि जो मैट्रिक्स होता है उसका आंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, लेकिन डेट का आंसर हमेशा डेट की ही फॉर्म में होता है। ओके, आइए अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। इसके कई सारे ऑर्डर्स होते हैं और कुछ इनकी एक्सपेंशंस हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर नंबर वन को, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो वन, तो वन ऑर्डर को कैसे डील करते हैं। देखिए, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है वन, तो कहना क्या चाह रहा है उस बात को समझाने की कोशिश करेगा। देखिए, कोई आपके पास सपोज दैट कोई डिटरमिनेंट ए है इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ थ्री, तो इसका आंसर कितना होगा, थ्री। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस थ्री है, कितना होगा इसका आंसर, माइनस थ्री। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर वन बाई वन का है, वन बाई वन का है, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसलिए इसका आंसर वन बाई वन का रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर जो अंदर लिखा होगा वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ कि डिटरमिनेंट को हम, ये जो साइन होता है इसे हम मॉडुलस रीड नहीं करते हैं, डेट रीड करते हैं डिटरमिनेंट के केस में। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो वन ऑर्डर के केस में, किस ऑर्डर में था, वन ऑर्डर। यदि डेट टू ऑर्डर के केस में आ जाए, जैसे डिटरमिनेंट टू ऑर्डर के केस में लिखा हुआ है, सपोज दैट टू ऑर्डर के केस में क्या आएगा, एलेवन ए ट्वेल्व ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू, सपोज दैट ये है, ये दो बाई दो ऑर्डर पे है डिटरमिनेंट। तो इसको कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, ध्यान दीजिए, आप ऐसे करें डायरेक्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलेवन ए ट्वेंटी टू माइनस ए ट्वेंटी वन ए ट्वेल्व, दैट सोल्व गाइज, ये डिटरमिनेंट हो गया इसका। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए इस बात को, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देते हैं। कोई एक ए दे दिया उसने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू वन थ्री फाइव सेवन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना है आपको, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव कर दीजिए, सेवन वन जै सेवन और फाइव थ्री जै फिफ्टीन, तो सेवन वन जै फिफ्टीन गए तो माइनस के एट, दैट सोल्व गाइज, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप गाइज आप टू बाई टू ऑर्डर को भी एक्सपेंड करना सीख गए, वन ऑर्डर को भी और टू ऑर्डर को भी। अब बात करते हैं गाइज थ्री ऑर्डर के बारे में बातें। देखिए गाइज, थ्री ऑर्डर को कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सपोज है आपको डिटरमिनेंट तीन ऑर्डर का ये गिवन है, ध्यान रखना ये दो तरीके से एक्सपेंड होता है गाइस, रो वाइज और कॉलम वाइज। देखिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको कि रो वाइज कैसे एक्सपेंड करेंगे आप और कॉलम वाइज कैसे एक्सपेंड करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस। देखिए, ये डिटरमिनेंट है आपके पास एक्सपेंशन अलोंग रो, रो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये कोई मैट्रिक्स मुझे गिवन किया हुआ है, उसका डेट मैंने निकाल दिया, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री, इसे एक्सपेंड कर दिया अपने R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले एलिमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, R1 ये होता है पूरा, ये R2 होती है, ये R3 होती है, ये C1 C2 C3, क्लियर। अब देखिए R1 पूरा, इसके अंदर एलिमेंट है 11 12 13, पहले एलिमेंट लिख लीजिए 11 12 13, अब साइन लगाएंगे, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ऐसे क्यों होता है, क्यों रीजन रहा है ये प्लस माइनस होने का, ये बाद में समझाऊंगा, फिलहाल अभी ध्यान रखेंगे, ये साइन प्लस पे होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, प्लस पे खत्म होगा तो माइनस से स्टार्ट होगा, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये फिर माइनस का होता है, माइनस पे खत्म तो फिर प्लस पे शुरू होगा, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, प्लस का होता है, ध्यान रखना कैसे रीड करना, रीड करने का पैटर्न समझिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे रीड करना है इसको, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ये ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए 11 12 13 इवन और ऑड के अकॉर्डिंग में समझाऊंगा, जब सम इवन और ऑड होते हैं उसके अकॉर्डिंग साइन भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो 11 12 13, अब 11 क्या बोलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने हाइड कर दिया, तो आपके पास बचा 22 23 32 33, वो रख दिया आपने 12, 12 का मतलब होता है फर्स्ट रो, ये आपकी पूरी फर्स्ट रो हो गई, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम उसको हेड कर दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हेड, जो बच गया वो लिख दीजिए 21 31 23 33, ये लिखा हो गया 21 23 31 33, थर्ड ए 13 ए 13 वाला क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये आ गया आपके पास 21 22 31 32, ये आ गया आपके पास। आई होप उसके बाद ये दो बन गया दो बाई दो का डिटरमिनेंट, दो बाई दो का डिटरमिनेंट में अभी आपने सीखा डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, दैट्स ऑल गाइस, ये आ गया देखो कैलकुलेट करके आपके पास सब कुछ,
ये रहे मेरे साइन जो आपको बताया अभी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है गाइस, ये इसके साइन है। तो आई होप गाइस आप समझ में आ गया होगा आपको एक्सपेंड आर वन के अनुसार कैसे करते हैं। चलिए एक और समझ लेते हैं, एक्सपेंड आर टू, आर टू के अनुसार कैसे करेंगे। आर टू में क्या है, यानी रो टू ये रही 21 22 23, पहले इनके एलिमेंटों को लिख लो 21 22 23, ठीक है 21 22 23। अब साइन लगा दीजिए, सेकंड वाले रो के साइन क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो आपने साइन भी देख लिए होंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया था बातें। अब 21 का मतलब क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, जो बच गया सेकंड रो को हाइड करके रखिए, ये इस तरह से हो गई हाइड आपके पास, सेकंड रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इस तरह से आप हाइड कर देना, जो बच गया वो लिख दीजिए, क्या बचा, A12 A13 A32 A33, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से A22 का मतलब क्या, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड कर दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड, जो बच गया उसे लिख दीजिए, 11 13 31 और 33, ये लिख दीजिए जो बच गया यहाँ पे, वो आपने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसको ऐड कर दीजिए 11 12 31 32, ये आपके पास आ गया, ठीक है गाइस। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2x2 के बन गया डिटर्मिनेंट, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, ये सब आपने कर दिया, ओके गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेम एज इट इज कॉलम वाइज है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। कॉलम में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, जैसे C1 में 11 21 31, उसके अकॉर्डिंग साइन ये रहे, प्लस माइनस प्लस, कॉलम के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग ये रहे, C2 के अकॉर्डिंग ये रहे, C3 के अकॉर्डिंग ये रहे, साइन ये रहे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एज योर चॉइस। क्लियर होगी बातें यहां तक, नहीं हुई गाइस, तो इसी तरह से आप कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। तो गाइस C1 के अकॉर्डिंग उसने एक्सपेंड करने सिखा रखा है, पहले 11 लिखा, 21 लिखा, 31, 11 का मतलब आप समझ गए होंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड, ये कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा C1 में, और दूसरा एलिमेंट आता है 21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो सेकंड रो ये आ गया गाइस, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, ये कर दिया आपने। उसके बाद जो बचा वो आपने लिखा, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आता है, क्योंकि C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने तो तीनों एलिमेंट देखते हैं आप लोग, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, ठीक है ना, कॉलम फर्स्ट हो गया तो इसलिए फर्स्ट कॉलम ही हाइड होता रहेगा, रो चेंज होती रहेगी, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है गाइस। तो ये था एक्सपेंशन अलोंग्स कॉलम C1। अब एक क्वेश्चन दिया उसने, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इसने लिखा भी ए कोई मैट्रिक्स है, ये उसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी गई है आपसे, फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट बनाया पहले, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड कर लीजिए R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग देखो एलिमेंट कितने हैं, 3 है, माइनस 4 है और 5 है, तो आपने लिखा 3, पहले एलिमेंट लिखो 3, माइनस था, और तुम्हें पता है कि जब R1 में करते हैं तो इस साइन प्लस का होता है और ये साइन माइनस का होता है, ये ऑलरेडी इन्हें माइनस दे रखा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 4, ये आ गया प्लस के 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो 1 माइनस 2 3 1 1 माइनस 2 3 1, ठीक है गाइस, प्लस 4 आ गया, फिर वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड एक्सपेंड कर दीजिए, 1 माइनस 2 2 1 के अकॉर्डिंग, 1 माइनस 2 2 1 के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड एलिमेंट 5 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड, ठीक है, 1 1 2 3 1 1 2 3, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई, ये आके आपके पास कैलकुलेट हो गई 46। तो आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हमने सीखा डेट का मीनिंग क्या होता है, डेंट के एक्सपेंशन क्या होते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ओके गाइज। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आइए समझते हैं क्या है डेट का। डेट्स का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का, जो बेसिक मैंने आपको कराया ये इंपॉर्टेंट है इसका गाइज, ठीक है। आइए गाइज आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। देखिए गाइज आज हम लोग समझेंगे यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइज इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, कि हम लोग
कैसे डिटरमिनेंट का यूज ज्योमेट्री में करते हैं गाइस, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए तो मैं सिर्फ आपसे बेसिक डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट की एक्सपेंशंस क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का कैसे यूज होगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या हैं, ठीक है गाइस। ये सारे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे गाइस, जो उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है प्रॉपर्टीज वाली, उसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा उसकी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को। ओके गाइस, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 में। ये इन्फॉर्मेशन जो शुरू में मैंने आपको दी थी ये CBSE के जो सर्कुलर में आ चुकी है, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखें, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने बोल भी रखा है, जो बच्चे एबसेंट होंगे उस एबसेंटेज के अकॉर्डिंग फिल भी होंगे। तो ये गाइडलाइन है CBSE की। तो गाइस जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वीडियो देख रहा है, उसके लिए ध्यान देना, जिस स्कूल से भी है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, वे अपनी प्रिपरेशन में रेगुलर लगे रहें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन होगा, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना है मुझे, ठीक है ना, और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये डिस्कस करना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।